फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज डेट है 6 जून 2022 और आज आप सबके लिए एक बड़ी खुशी की खबर हम लेकर आए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स डीओई के द्वारा टीचर्स रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कई अपडेट आज जारी की गई है। आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट को, इसमें पर हम विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है जो कि अभी तक हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाए थे, तो फ्रेंड्स वही सब आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या में मेमोरेंडम्स जारी किए गए हैं D++B की भर्ती के रिगार्डिंग, तो आइए अपडेट को हम चेक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, इस वेबसाइट पर अगर आप कोई भी अपडेट चेक करना चाहते हैं तो पब्लिक सर्कुलर वाली ये ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रही है, इसको क्लिक करना होता है इस तरह से, और यहाँ पब्लिक सर्कुलर में जो भी न्यू अपडेट होती है, जो भी नए नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, इस न्यू वाली ऑप्शन में आप उनको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हर एक अपडेट आपको इसी वेब पेज पर दिखाई देगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है DOE की, edu.del.nic.in, इसी को आपको विजिट करना चाहिए। जो भी अपडेट आप चेक करना चाहते हैं D++B की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग या एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, और फ्रेंड्स D++B जब e-roger का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद की सारी प्रोसेस इसी वेबसाइट पर डेली आप जरूर चेक कीजिएगा। अगर चेक नहीं करते हैं तो आप हमारी वीडियोस को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स e-roger के बाद की प्रोसेस इसी वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। जो भी नोटिस होता है या ऑर्डर्स होते हैं या मेमोरेंडम या ज्वाइनिंग लेटर, सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, गेस्ट टीचर्स का जो री एलोकेशन का लेटर था ये, और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये री एलोकेशन ऑफ गेस्ट टीचर्स और मेमोरेंडम थे ये यहाँ पर, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पोस्ट कोड 89/17, तो ये 5 मेमोरेंडम जारी किए गए थे। यहाँ तक की अपडेट हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और बाकी के ये 4 नए नोटिस आए हैं फ्रेंड्स, तो आइए अपडेट को हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं काफी कैंडिडेट की क्वेरीज थी इस पोस्ट के रिगार्डिंग। TGT पंजाबी फीमेल, पोस्ट कोड है 57/21, तो 21 की ये रिक्रूटमेंट है, टीचिंग रिक्रूटमेंट है, और इसके मेमोरेंडम जारी किए गए हैं फ्रेंड्स, और मेमोरेंडम यहाँ पर 57 कैंडिडेट के जारी किए गए हैं। तो 57 कैंडिडेट को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी कर दिया गया है। TGT पंजाबी फीमेल की पोस्ट कोड है 57/21। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन होती है कैंडिडेट का, नेम, DOB, उसका रोल नंबर, उसकी पोस्ट की जो ग्रेड पे है, पे स्केल है, वो सब यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं जो कि कैंडिडेट को फॉलो करनी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, तो आप इनको देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो भी यहाँ पर सिक्वेंस में ये सीरियल वाइज कॉलम दिए गए हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से आप चेक कीजिएगा। और यहाँ पर ये जो 19 नंबर कॉलम है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होना है, किस डेट को होना है, वो बता दिया गया है। वेन्यू आपका दिया गया है फ्रेंड्स, ये किस सेल में आपको जाना है, कौन सी बिल्डिंग में जाना है, 13 जून 2022 10:30 आपका ये टाइम यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका डेट और टाइम बता दिया गया है, और कैंडिडेट का नेम, DOB, रोल नंबर्स वगैरह की सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेकर जाने हैं, वो सब एक एक चीज यहाँ पर बता दी गई है। क्या आपको फोटोकॉपीज लेकर जानी है, क्या ओरिजिनल लेकर जाना है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। 4 करंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ डिक्लेरेशन जो कि इंस्ट्रक्शन नंबर 14 के अकॉर्डिंग आपको चाहिएगी, और जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है, बोथ साइड आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेकर जाने हैं, NCT का सर्टिफिकेट, जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होता है, इसको जरूर से जरूर लेकर जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि विदाउट NCT ई सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। काफी बड़ी संख्या में कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है, उनके e-rogers को रिटर्न कर दिया गया था सिर्फ NCT ई सर्टिफिकेट की एब्सेंस में, तो ये आपको जरूर लेकर जाना है। और जो भी आपकी डिग्रीज रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स, जैसे की आपकी BEd डिग्री है तो ये, और OBC सर्टिफिकेट अगर दिल्ली से है तो इसका NCL एंड OBC सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ डेट, ये सब आप बिल्कुल जो रिक्वायर्ड चीजें हैं जरूर से जरूर आपको लेकर जानी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर ये 7 अंडरटेकिंग्स होती हैं जो कि आपको डाउनलोड करके, इनको फिल करके वेरिफिकेशन के दौरान सबमिट करना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका जानना आपका बेहद जरूरी है। वेबसाइट्स आप लोगों की ये यहाँ बता दी गई है, इनसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
हैं। और फ्रेंड्स ये मेमोरेंडम्स इंडिविजुअली जारी किए जाते हैं। पोस्ट आपकी देख सकते हैं 57/21 पोस्ट को टीजीटी पंजाबी फीमेल कैंडिडेट के। यहाँ पर नेम अलग अलग हैं सबके और ये टर्म और कंडीशन सबकी सेम ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख लीजिएगा। जो आपके ओरिजिनल मांगे गए हैं या फोटोकॉपीज मांगे गए हैं इनको जरूर लेकर जाइएगा। टाइम और प्लेस आपका बता दिया गया है किस जगह पर आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स ये 57 मेमोरेंडम जारी किए गए हैं जो कि बड़ी अच्छी संख्या में कहे जा सकते हैं और बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है। तो फ्रेंड्स आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई है। और आइए अब नेक्स्ट नोटिस को हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वॉक इन इंटरव्यू टेकन बाय द कमेटी ऑन डेटेड 13 मई 2022, 13 मई 2022 एंड 17 मई 2022 को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था कमेटी के द्वारा। तो जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं पोस्ट ऑफ योगा टीचर प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की ये वैकेंसीज है फ्रेंड्स। योगा टीचर के रिगार्डिंग यहाँ पर ये रिजल्ट जारी किया गया है। 1 ईयर के लिए यहाँ पर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 कैंडिडेट है फ्रेंड्स जिनका की सिलेक्शन किया गया है। और इसके बाद ये यहाँ पर कैंडिडेट है जिनको की वेटिंग पैनल लिस्ट में रखा गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन नंबर, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, ये सब डिटेल दे दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और आइए नेक्स्ट नोटिस को हम चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स जो भी अपडेट डीओई के द्वारा जारी की जाती है, चाहे DSSB के द्वारा या फिर ऑल ओवर इंडिया से टीचिंग रिक्रूटमेंट की कोई भी अपडेट हो, चाहे DSSB की, KVS की, NVS की, हर अपडेट हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होते हैं उनको तो तुरंत साथ के साथ हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि एजुकेशन डिपार्टमेंट की हर अपडेट से आप अपडेट रह सके। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा, ये भी ऑर्डर जारी किया गया है, योगा टीचर की पोस्ट है इसके रिगार्डिंग। और ये कैंडिडेट है यहाँ पर जो की सिलेक्टेड किए गए हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की ये वैकेंसीज है और इनका 1 ईयर के लिए सिलेक्शन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये आप नेम देख सकते हैं, आपका फॉर्म का नंबर दिया गया है, कैंडिडेट का नेम दिया गया, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ। तो इन कैंडिडेट्स को यहाँ पर डायरेक्टेड किया गया है रिपोर्ट करने के लिए। ये आपका यहाँ पर एड्रेस दे दिया गया है किस ब्रांच में, रूम नंबर, ठीक है फ्रेंड्स आपका पूरा एड्रेस ये दे दिया गया है। और आपको यहाँ पर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ओरिजिनल, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज और 13 जून 2022 मंडे 11 AM आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका पूरा वेन्यू यहाँ बता दिया गया है। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट नोटिस को हम चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये नोटिस है यहाँ पर PGT हिस्ट्री फीमेल की पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर कैंडिडेट का नेम, उनकी ID, लेक्चरर हिस्ट्री, तो इनको देखिए 30 डेज का एक्सटेंशन किया गया है डेट ऑफ ज्वाइनिंग को। और अब इनको 1 जुलाई 2022 तक का समय दिया गया है ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए। अगर कैंडिडेट 1 जुलाई 2022 तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाता है, फेल रहता है ज्वाइनिंग करने में, तो उसके कैंडिडेटचर को कैंसिल कर दिया जाएगा विदाउट एनी फर्दर कम्युनिकेशन। और इसके अलावा देखिए एक और ज्वाइनिंग डेट को एक्सटेंड किया गया है और ये भी PGT हिस्ट्री फीमेल के रिगार्डिंग है। ये कैंडिडेट का नेम यहाँ दिया गया है, लेक्चरर हिस्ट्री की पोस्ट है, 30 डेज का इनका ज्वाइनिंग का एक्सटेंशन कर दिया गया है। 1 जुलाई 2022 तक का आपका ज्वाइनिंग का यहाँ समय दिया गया है फ्रेंड्स। तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आपको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, अदरवाइज आपका कैंडिडेटचर यहाँ कैंसिल किया जा सकता है बिना किसी फर्दर कम्युनिकेशन के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट थी और बाकी जो भी नोटिस थे फ्रेंड्स वो सब हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये अपडेट रिलेवेंट कैंडिडेट तक पहुंच सके और उनकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो सके। और फ्रेंड्स आप लोगों के लिए और बड़ी खुशखबरी आने वाली है, DSSB की जो रिक्रूटमेंट है 2021, तो उसके बारे में कुछ अपडेट हमें मिली है वो हम जल्द ही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जिनके रिकॉल नहीं आए हैं उनके रिगार्डिंग या जिनके रिजल्ट अभी आने हैं, तो सारी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स आज और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।